हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आपको हमारा पहले वाला वीडियो पसंद आया होगा। आई नो हमारे वीडियोस में थोड़ा लेट होता है, बट जैसे हमारे चैनल का नाम है, हम थोड़े लेट ही चलते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, इस बार ही हमारा वीडियो जो है लेट नहीं है, थोड़ा आगे ही चल रहे हैं। ये वाली न्यूज़ है आईफोन 13 के बारे में। आईफोन जो 13 आएगा वो स्मॉल नॉच के साथ आएगा। तो अभी जो बड़ी सी नॉच जो आईफोन 12 और बाकी जो आईफोन एक्स में आती है, XR में आती है, वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। चलो अच्छी बात है, जल्दी क्या पता आईफोन भी अपना सैमसंग की तरह पिनहोल कैमरा वगैरह लेके आ जाए और अच्छा स्क्रीन वगैरह आपको मिल पाए। जो सेकंड अपडेट है वो आईफोन की बॉडी के बारे में है। आईफोन 13 की जो बॉडी होगी वो आईफोन 12 की तरह फ्लैट एजेस होगी। पहले की तरह हम ऑलरेडी जानते हैं कि आईफोन जो भी मॉडल में चेंजेस करता है वो एक दो जनरेशन तक रहता ही है। या तो आईफोन 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, सब में सेम थे। उसके बाद आईफोन एक्स में डिजाइन उन्होंने चेंज करा, तो वही सेम उन्होंने आईफोन एक्स, आईफोन XR और आईफोन 11 में रखा था। तो वही देखते हुए आईफोन 12 और आईफोन 13 भी सेम होंगे। अपडेट आई है हमारे पास जो है आईफोन की स्क्रीन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, बहुत इंतजार के बाद आईफोन ने फाइनली अपनी स्क्रीन पे अपना काम करा है। और आईफोन जो प्रो मॉडल्स होंगे उसमें जो है उनकी हाई रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज में स्क्रीन आएगी। तो उससे क्या होगा, अब और बेटर स्क्रीन वगैरह जैसे सैमसंग वगैरह यूज कर रहे हैं या वन प्लस यूज कर रहा है, उनकी तरह हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन यूज कर पाएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।